हेलो। तो ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है टाइडीवर्स सीरीज का। तो चलिए चलते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे रीडार पैकेज के बारे में। ठीक है, ये एक हमारा डाटा साइंस प्रोसेस है और सबसे पहले हम एक रीडार पैकेज के बारे में देखेंगे जिसकी सहायता से आप किसी डाटा सेट को इंपोर्ट कर सकते हो आर इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो रीडार पैकेज मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसकी सहायता से आप डाटा को रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाटा जो होता है हार्ड डिस्क में वो फाइल में रखा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है वो एक फाइल में रखा जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन अवेलेबल है फाइल को इम्पोर्ट करने के लिए। अगर सपोज करो आपको सी एस वी फाइल को इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए फंक्शन अवेलेबल है रीड अंडर स्कोर सी एस वी नाम का। ठीक है, अगर आपको अदर्स फाइल्स चाहिए जैसे कि टैब सेपरेटेड फाइल जनरल डिलिमिटी फाइल, उसके लिए भी फंक्शन अवेलेबल है। अगर आपको लॉग जो भी वेबसाइट के लॉग फाइल्स को इम्पोर्ट करना होता है अगर उसके ऊपर अनालिसिस करना है आपको तो उसके लिए भी फंक्शन अवेलेबल है। और अदर फाइल्स के लिए भी फंक्शन अवेलेबल है आर में, जैसे कि टेबल वगैरह करने टेबल फाइल के लिए भी है फंक्शन और एफ डब्ल्यू एफ के लिए भी है। तो डाटा साइंस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है जो डाटा रखा जाता है वो सी एस वी फॉर्मेट में रखा जाता है। रीज़न इसका ये है कि ये बहुत सिंपल होता है, कोमा करके वर्ड लिखा होता है और ये काफ़ी अच्छा होता है मैनुपलेशन के लिए और डाटा को एनालिसिस करने के लिए। इसलिए आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द डाटा साइंस जो डाटा सेट होता है वो सी एस वी फॉर्मेट में उपलब्ध होता है। तो हम देखते हैं कि हम रीड कैसे कर सकते हैं, इम्पोर्ट कैसे कर सकते हैं डाटा सेट को आर इन्वायरमेंट में। तो सबसे पहले आप लिखते हो रीड अंडर स्कोर सी एस वी फंक्शन एंड पैरेंथेसिस के अंदर आप उस फाइल का नाम डालते हो। तो मैंने इस फाइल में मतलब इस फंक्शन में मैंने टाइटैनिक का डाटा सेट मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ। टाइटैनिक डाटा सेट वेबसाइट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर डाटा सेट है, आप इजीली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ डी एफ नाम का। सो जब आप इसको रन करोगे तो ये रिटर्न करेगा टिबल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि टिबल क्या होता है। तो टिबल एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल ही सिमिलर काम करता है डाटा फ्रेम की तरह ही है। ठीक है, इसके भी कॉलम होते हैं रो होते हैं। आप एक तरह से ये समझ सकते हो कि ये एक एक्सटेंशन है डाटा फ्रेम का। और टिबल आप टिबल मत समझो, आप ऐसे समझो कि आप डाटा फ्रेम में ही काम कर रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, टिबल डाटा फ्रेम की तरह ही दिखता है। तो डाटा फ्रेम की तरह ही अगर आपको नेम कॉलम को एक्सेस करना हो, नेम कॉलम टाइटैनिक डाटा सेट के अंदर ही है एक नेम कॉलम, अगर आपको उस कॉलम को एक्सेस करना होगा तो आप एक कमांड लिखोगे डी एफ वेरिएबल का नाम, उसके बाद डॉलर लगाओगे, उसके बाद नेम कॉलम लिख दिया। जब आप उसको रन करोगे तो पूरा का पूरा नेम कॉलम एक्सेस हो जाएगा और रिटर्न कर देगा वेक्टर में। ठीक है, तो सपोज करो आपको पहला सिर्फ पहला एलिमेंट को ही एक्सेस करना है तो ये भी कर सकते हो आप ब्रैकेट में वन लिख दो। जब आप इसको रन करोगे तो इसकी सहायता से आप फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको सेकेंड को करना हो तो वही टू लिख दोगे और सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। और इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप किसी भी एलिमेंट को इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। कोई सा भी कॉलम हो, कॉलम का नाम नाम डालना है और इंडेक्स लिखना है। आर में इंडेक्स जो होता है स्टार्ट होता है वन से। तो सपोज करो कि दूसरे में एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है राजू नाम का। अगर अब मैंने एक्सेस करना सीख लिया, अगर मेरे को उसके ऊपर कुछ परफॉर्म करना हो, ऑपरेशंस फंक्शंस को परफॉर्म करना हो तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस आप डेस्कटॉप स्क्रीन में देख पा रहे हो मैं एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग लेंथ। तो ये जनरली लेंथ बताता है। तो राजू की लेंथ जो स्ट्रिंग उसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, तो ये रिटर्न कर देगा हमें 4।
ठीक है, आप बहुत सारी, अगर आपको एक्सेस करना आता हो डाटा को, तो आप बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करें और एनालिसिस करें और अपने जो पर्पस को पूरा करें। तो नेम कॉलम बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर टाइप का होता है। अगर आपने डाटा फ्रेम पहले इंपोर्ट किया होगा, तो जितने भी स्ट्रिंग जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट फैक्टर एज ए फैक्टर कंसिडर होते हैं। पर टिबल और डाटा फ्रेम में ये एक डिफरेंस है कि बाय डिफॉल्ट वो कैरेक्टर ले लेता है, और कैरेक्टर ही लेना चाहिए, जो कैरेक्टर है कैरेक्टर डाटा टाइप ही होना चाहिए, ठीक है। उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर देना ये थोड़ा उचित नहीं था, इसलिए ये इस कमी को पूरा करने के लिए टिबल ने कैरेक्टर कॉलम ही रखा है। तो डाटा टाइप क्या कैसा शो होता है? अगर आपको इंटीजियर डाटा सेट के, इंटीजियर डाटा टाइप के लिए इंट इंट कीवर्ड का इस्तेमाल होता है टिबल में। सिमिलरली डबल के लिए DBL, कैरेक्टर के लिए डेट टाइम। अगर कोई ऐसा डाटा जिसमें डेट टाइम है उसको दर्शाने के लिए कीवर्ड है DTTM से, और भी स्ट्रक्चर डाटा है उसके लिए अवेलेबल है। तो आप अब अगर आपको जैसे कि टिब्बल या डाटा फ्रेम को क्रिएट करना हो, तो आप टिब्बल फंक्शंस के द्वारा कर सकते हो। तो टाइटैनिक डाटा सेट में बहुत सारे एनए वैल्यू है। अगर हम इस वीडियो में सीख रहे हैं डाटा को एक्सेस करना, तो आप एनए को भी एक्सेस कर सकते हो, पर उस एक्सेस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप एनए के ऊपर कोई परफॉर्म करोगे तो हमेशा वो रिजल्ट में एनए देगा, तो इसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। डाटा एनालिसिस के लिए आपको हमेशा रिमूव करना पड़ेगा एनए। तो ये सारी चीज़ें मैं आर में करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने आर स्टूडियो खोल लिया है। तो सबसे पहले मैं टाइडीवर्स को अपलोड करता हूँ आर में। तो मैं टाइटेनिक डाटा सेट को इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ये हो गया। इसकी क्लास देखना हो तो टिब्बल टाइप का, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर आपको नेम कॉलम को एक्सेस करना होगा, तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो ये रहा नेम कॉलम। तो अगर आपको पहला एलिमेंट एक्सेस करना हो नेम कॉलम का, तो ये भी कर सकते हो, जो कि पहला एलिमेंट है ब्रॉन्ड मिस्टर आउनी हैरिस। अगर मैं डाटा फ्रेम को देखूं कहाँ है नेम कॉलम, तो ये आप फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड को भी एक्सेस कर सकते हो। इसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो कुछ ऑपरेशन। तो 23 इसकी लेंथ है, किसकी, फर्स्ट एलिमेंट की, बी, ठीक है। आप गिन के भी देख सकते हो ब्रॉन मिस्टर। आप टिब्बल क्रिएट भी कर सकते हो, बहुत बिल्कुल ही डाटा फ्रेम की तरह है, ये क्रिएट हो गया। तो आप एक्स कॉलम को वैसे ही एक्सेस कर सकते हो, पहला एलिमेंट। तो आप एनए वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हो, पर उसका कोई फायदा नहीं है, तो आपको रिमूव करना आना चाहिए। हम अदर्स ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से हम एनए को एप्रोप्रिएट वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। सो थैंक यू।